किचन की सफाई करी थी, आधी रात जोर से भूख लगने लग गई और ये मैंने अपने लिए स्मूदी बना ली। ये देखो, ये जनाब मुझे इसमें परेशान कर रहे हैं। मुनक्का डाला है कुछ थोड़ा सा चॉप करके, ये मिक्स्ड सीड्स हैं, ये आधा एप्पल चॉप्ड है और लास्ट में इसमें डालूंगी चिया सीड्स। बहुत ही हेल्दी है पूरी रेसिपी। एक्चुअली शूट करना भूल गई क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। नेक्स्ट टाइम डिटेल में बताऊंगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो। हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका ककर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। मैं थोड़ा धीरे से बोल रही हूँ क्योंकि पापा सो रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब ना हो। तो मैं अभी पी रही हूँ ये स्मूदी क्योंकि मुझे ना वैसे भी मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे तो जाने वालों में से हूँ नहीं, तो मैं कुछ दिनों से सिर्फ मैंने अपने लाइफस्टाइल में अपने डाइट में थोड़े से चेंजेस किए जो मेरे लिए कंफर्टेबल भी हैं और जिससे मेरे टेस्ट बड्स भी जो हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बीच बीच के फिलर्स ढूंढे हैं। तो ये स्मूदी है, ये मैं तब लेती हूँ जब मुझे बीच में बहुत भूख लगती है। एंड ट्रस्ट मी, ये स्मूदी बहुत ज़्यादा फिलिंग है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैंने अपनी बना ली है तो अब मैं आराम से पीऊँगी और फिर बाद में मिलती हूँ। ये है खूब फ्लेयर वाला कली वाला प्लाजो, ये है दुपट्टा और ये है इसका कुर्ता। सो ये पूरा सेट है। हाँ यार, मैं रेडी हो गई हूँ और आज मैंने बहुत कमाल का फेस वॉश यूज़ किया है जो मुझे लगा मुझे आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहिए, जो कि है ये है प्लम का ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश। आई एम श्योर आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे जैसे गर्मियां यानी कि समर्स आने लगते हैं ना, एक्सेसिव हीट की वजह से हमारी जो स्किन है वो ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है, ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है, जिससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एक्ने डेवलप करने के। सो ऐसे केस में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मैं ढूंढती रहती हूँ कोई अच्छा एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश जिसके इन्ग्रीडियंट्स बहुत अच्छे हों, जो कि एक्ने आने से प्रिवेंट करे और अगर है तो उसे क्योर भी करे। एंड इस बार है ना मेरी तलाश आके रुकी है इस पे, प्लम ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश। ग्रीन टी सबसे ही सिंपल, सेफ एंड इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट, परफेक्ट फॉर ऑयल एंड एक्ने कंट्रोल। आपको पता है ग्रीन टी में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है ना, वो सिर्फ एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को किल ही नहीं करती बल्कि उसे वापस आने से भी प्रिवेंट करती है। उसके साथ साथ इसमें है ग्लाइकोलिक एसिड जो बहुत ही जेंटली आपकी डेड स्किन को जो है एक्सफोलिएट करता है, और उसके साथ साथ इसमें है सेल्यूलोस बीड्स। सेल्यूलोस बीड्स बहुत ही जेंटल होते हैं, वो बहुत माइल्ड एक्सफोलिएशन देते हैं आपके पोर्स को और उनमें से सारा एक्सेस ऑयल, ग्रिम, डर्ट सब निकाल देते हैं। सो अनलाइक प्लास्टिक बीड्स, ये जो सेल्यूलोस बीड्स हैं ये सस्टेनेबल हैं एंड बहुत ही अच्छे हैं हमारे लिए भी और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से मुझे प्लम ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश बहुत अच्छा लगा। ये देखिए इसका टेक्सचर जेल एंड ये रहे इसके सेल्यूलोस बीड्स। फेस वॉश तो मैं यूज कर चुकी हूँ, अब टाइम टू अप्लाई द टोनर। ये आइडियली फॉर बेस्ट रिजल्ट्स हमें लगाना चाहिए दिन में दो बार ये पूरा रिजीम। सुबह में आपने फेस वॉश यूज किया, फिर टोनर लगाया, उसके बाद मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन एंड रात में आप टोनर के बाद लगाएंगे नाइट जेल। सो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे इस गर्मी के सीजन में जो है एक परफेक्ट सोल्यूशन मिल गया है विद द परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी जरूर ट्राई कीजिए प्लम का ग्रीन टी किट फॉर एक्ने प्रोन स्किन। एंड गेस व्हाट, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे जो कि है दीपिका 10 तो आपको एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल प्लम प्रोडक्ट्स ऑन nykaa.com। ये तो मैं बना रही हूँ चिकन रशियन कटलेट। एक्चुअली वो कवर किए जाते हैं सेवैयों में लेकिन हमारे घर पे किसी को वो पसंद नहीं कि मुंह में लगती है, तो मैं उसे ब्रेड क्रम्स में कवर करती हूँ। इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं पिछले बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं वो रेसिपी। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना वो ये है, हम बनाएंगे ब्रेड से चीज बर्स्ट पिज्जा एंड बहुत यमी होगा और बहुत क्विक भी होगा। तो मैं पहले ये थोड़े से कटलेट्स फ्राई कर दूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो आज तो मैं बहुत अच्छे वक्त में स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे पास काफी समय है, 5:30 ही बज रहा है। ओके,
सो मैं बहुत सिंपल सा पिज्जा बना रही हूँ। मैं पनीर की टॉपिंग यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ, जो हमारा बेस है वो है ब्रेड का, सो ऑब्वियसली ब्रेड। फिर हमें लगेंगे कुछ चीज स्लाइसेस एंड चीज क्यूब्स भी, क्योंकि ऊपर से जो हम चीज श्रेड करके डालेंगे उसके लिए हमें क्यूब्स लगेंगे। एंड टॉपिंग के लिए यहाँ मैंने लिए हैं स्लाइस्ड अनियंस, बहुत पतले पतले, थोड़ी स्लाइस्ड कैप्सिकम, अगेन बहुत पतली। ये पनीर है और ये है हमारी पिज्जा पास्ता सॉस। आप किसी भी ब्रांड की यूज कर सकते हैं, या अगर आपके घर पे बनी हुई है तो वो भी यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम पनीर को थोड़ा सा मैरिनेट करके सौते करेंगे, ताकि पनीर ब्लैंड ना लगे, उसमें भी थोड़ा फ्लेवर आए। तो पहले वो करते हैं। सो सबसे पहले ये पनीर हम निकाल लेंगे एक बोल में। इसमें एकदम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, डेढ़ चम्मच दही, ये दो छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, और ये है तंदूरी चिकन मसाला। तो ये करीब एक टेबलस्पून, क्योंकि हमें सारा फ्लेवर जो है वो इसी से मिलेगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट का जो शॉट है वो पता नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्या गड़बड़ हो गई समझ नहीं आया। सॉल्ट जरूर डालिएगा। यहां मैं डाल रही हूं नींबू। इसे हम 5 से 10 मिनट रख देंगे और उसके बाद हम एक पैन में ऑयल डाल के इसको सौते करेंगे। सो ये हो गया है हमारा बेस रेडी, एकदम पतला है और ये चीज से फिल्ड है। तो ये मैंने कैसे रेडी किया है, चलिए अभी वो मैं आपको दिखाती हूँ। 2 स्लाइसेस ब्रेड की लगेंगी हमें, हल्का हल्का इनके एजेस हमको इसमें काटने पड़ेंगे, नहीं तो आपको जब आप रोल करने वाले हैं तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और अब एक चीज स्लाइस, के ऊपर हमारा दूसरा स्लाइस ऑफ ब्रेड, ओके। और अब हम इसे रोल करेंगे। आपको थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि ये पतला हो जाए, ओके। दैट्स डन। अब अपने तवे पे इसको डालने से पहले आपको कुछ नहीं डालना है, ना कोई ऑयल, ना घी, नथिंग, ना बटर, बस अच्छे से गर्म होना चाहिए और आप इसे डाल देंगे। सो बेसिकली आपको इसे सिर्फ टोस्ट करना है। सो ये पलट पलट के इस तरह से आपको, अगर आपको कम डार्क करना है तो ठीक है, लेकिन मुझे ज्यादा इस तरीके से इस कलर तक करना है, थोड़ा ज्यादा सुनाई दिया दैट क्रिस्प क्रिस्प, सो मुझे इतना करना है। सो आई डू मोर। सो ये हो गया रेडी। सो ये पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसमें थोड़ी सी स्लाइस्ड अनियन डालेंगे, जस्ट लिटिल बिट, क्योंकि मुझे थोड़े अनियंस पनीर के साथ एकदम सॉफ्ट भी चाहिए, और वो क्रिस्प जो हम टॉपिंग करेंगे वो तो अलग होगा। तो इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अपना पनीर। एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स तक सौते करेंगे। फ्लेम आप हाई लो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि वो मसालों की जो कच्ची स्मेल है वो पूरी चली जाए और आपका जो पनीर है वो हल्का हल्का ब्राउनिश आपको दिखने लगे, उसके बाद आप फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। सो पनीर टॉपिंग रेडी है, अब हम इसे हटा देते हैं। लेकिन इसी फ्लेम पे हम दोबारा अपना तवा रख देंगे।
अब हम करते हैं अपने पिज्जाज की टॉपिंग रेडी और फिर उन्हें फाइनल हम देखिए मैं आज अवन नहीं यूज कर रही क्योंकि बहुत लोगों के पास अवन नहीं होता है और इस रेसिपी में ऑनेस्टली अवन यूज करने की जरूरत भी नहीं है. जो फाइनल टोस्टिंग है वो भी हम इसी पे करेंगे. सो सबसे पहले इस पे हम डालेंगे हमारी पिज्जा पास्ता सॉस. फिर हम डालेंगे इसमें अपना पनीर. एंड फिर जो हमारी स्लाइस हमने अनियंस करके रखे हैं ऊपर से वो. एंड देन छोटे छोटे पीसेस ऑफ कैप्सिकम. ये सारी टॉपिंग्स आप अपने मन के हिसाब से प्ले अराउंड कर सकते हैं. जितना आपको चाहिए उतना डाल सकते हैं. एंड दैट्स इट. वी विल टॉप इट अप विथ सम चीज़. ये भी अगर आपको बहुत भर के डालनी है तो योर चॉइस. मैं थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ. एंड लास्ट में थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च. सो ये हमारा पिज्जा की टॉपिंग रेडी है और ये पैन बहुत गर्म है तो हम इसे इसमें रख देंगे. इसे ऊपर से ढक देंगे एंड द मिनट वी सी दैट द चीज इज मेल्टेड वी विल रिमूव इट. ओके टू द नेक्स्ट वन. मैं कर रही हूँ अपने बाकी के पिज्जाज रेडी क्योंकि मुझे नीचे काफी सारे लेके जाने हैं. So, हमारा जो चीज बस थिन क्रस्ट पिज्जा है वो रेडी है. देखिए ये चीज ज्यादा वो एकदम फ्लॉलेस मेल्ट नहीं हुई है क्योंकि मैंने पिज्जा चीज यूज नहीं की है. मैंने नॉर्मल जो हमारी अमूल की चीज आती है वो यूज की है. अगर आप पिज्जा चीज यूज करेंगे तो ये और ज्यादा मेल्ट होगी बट हम यही प्रेफर करते हैं. सो हो गए मेरे सारे पिज्जाज रेडी. अभी मैं इसको ट्राइंगल्स में कट करके जो है ट्रे में रख रही हूँ सर्व करने के लिए बिकॉज दैट विल बी मोर इजियर टू ईट. आपकी गाजर अच्छी पनीर डाला है. हाँ बिल्कुल बहुत ही तो बहुत ही अच्छा लाइट है और टेस्ट भी अच्छा है और हैवी नहीं लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसा घर पे कुछ ऐसा कुछ बाहर से आया बहुत लाइट है टेस्ट भी अच्छा लग रहा है और ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत हैवी है बहुत लाइट है. हाँ जी. सो हो गई है रात और मैं वापस आ गई हूँ घर. इफ्तार के जस्ट बाद मुझे एक मीटिंग के लिए जाना था तो मैं वहां चली गई और देखा आपने सबको बहुत बहुत अच्छा लगा मेरा जो ब्रेड पिज्जा था. सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया. मतलब अम्मी तो जैसे ही उन्होंने पहली बाइट लेके जो मुस्कुराहट उनकी आई ना आई एम श्योर आपने भी नोटिस किया होगा कि वो कुछ नहीं भी बोलती ना तो भी समझ में आ जाता कि हाँ उनको बहुत पसंद आया और सबा को भी बहुत पसंद आया. और बेचारे शोएब वही चीज ककड़ी से रिलेट कर रहे थे. सो ये था आज का व्लॉग. आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो. बहुत ही क्विक सिंपल सी. मैं हमेशा मतलब मेरी ज्यादा कोशिश ये रहती है कि जितनी इजी और सिंपल चीजें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं. स्पेशली ये स्नैक्स टाइप. बाकी जो हम प्रॉपर तैयारी करके बिरयानी बनाते हैं कोरमा बनाते हैं वगैरह वगैरह वो तो अलग है ही पर उन चीजों के लिए हम प्रॉपर तैयारियां करते हैं. फिर कई बार ऐसे होता है जैसे इफ्तार या सडनली घर पे कोई आ गया
ऐसे होता है कि आपके पास कम टाइम है, आपको कुछ अच्छा बनाना है, या कोई इवनिंग पार्टी है या कोई टी पार्टी है, तो आप कुछ अच्छा बनाना है, तो उस सब के लिए ये सब छिटपुट चीजें यू नो बहुत काम आती हैं। या कभी ऐसे ही घर पे बैठे और मन कर गया कि कुछ जल्दी बना के अच्छा सा खाना है, तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही ज्यादा उसके लिए हेल्पफुल रहती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की रेसिपीज आपसे जितनी चटपटर शेयर कर सकूं। सो दैट्स अबाउट इट गाइज, मैं यहीं पे आज अपना ये वीडियो एंड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और रेसिपी जब बनाएंगे तो मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी बनी, क्योंकि मुझे जान के बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ शायद। तब तक लव यू ऑल।